और दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ओप्पो के फीचर्स, तो हिडन ट्रिक्स हम कह सकते हैं क्योंकि डीप डाइव सेटिंग्स में है तो वो हम जरूर देखेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे सेटिंग्स दिए हैं, आप यूटिलाइज नहीं करते इसकी वजह से आपको फ़ोन थोड़ा लगता है कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे क्या कुछ दिया गया है, लेकिन ईजिली कोई भी ऐप्स हो आप क्विकली लॉन्च कर सकते हैं, स्मार्ट साइड बार यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई क्रोम में आप सर्च कर रहे हैं या फिर कुछ भी आप काम कर रहे हैं अपने मोबाइल में, तो ऐसे फ्लोटिंग साइड बार ओपन करेंगे तो इंस्टेंटली कैलकुलेटर को ओपन कर सकते हैं। वैसे ही फोटोज है, कोई भी ऐप्स है यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, एडिट जाके स्क्रीन ट्रांसलेट कर सकते हैं इंस्टेंटली। तो अगर ब्राउज कर रहे हैं ट्रांसलेट करना है आपको, यहाँ से क्विकली कर सकते हैं। ये सारा चीज़ जो है कस्टमाइज करना पड़ता है आपको, तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्राइवेसी के रिलेटेड भी आप फोन के इसमें कैसे सेट करना है वो देख सकते हैं मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके बने रहिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूले। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं को। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स पर जाना है एंड यहाँ पर नीचे जाएंगे तो स्पेशल फीचर्स करके मिलेगा। ऑब्वियसली ओप्पो के स्पेशल फीचर्स है, बहुत सारे अच्छे अच्छे दिए गए हैं, यूजफुल दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर फ्लेक्सिबल विंडोज, ये आपको जरूर पता नहीं होगा क्योंकि आप यूज नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये क्या है फ्लेक्सिबल विंडोज, बेसिकली यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएगा कि कैसे इसको यूज करना है, मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ बटन फ्री मोड है, बिना कोई, यहाँ पर एक छोटा बटन आता है, बिना कोई बटन ऐसे आप स्वाइप करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, उसका सेटिंग है ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जैसे आप यूज करते जाएंगे वो पता चलेगा आपको। एंड इवन शेयर वाया फ्लोटिंग विंडो करके वो भी ऑन करके रख सकते हैं। क्या करता है एक्चुअली फ्लेक्सिबल विंडोज, ओके आई विल शो यू। लेट्स से कि क्रोम ओपन किया है, ओके अभी बैक जाके मैं कुछ और काम कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इंस्टेंटली ऐसे जाएंगे रीसेंट स्क्रीन पर तो थ्री डॉट्स मिलेगा, यहाँ से आपको फ्लोटिंग विंडो पर टैप करना है। तो ये जो फ्लोटिंग विंडो है, फ्लोट हो रहा है ना, इसीलिए फ्लोटिंग विंडो कहते हैं हम। तो इसको कैसे आप यूज़ करें, देखिए यहाँ से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, ऐसा कितना बड़ा चाहिए वैसे कर सकते हैं, ज़्यादा करेंगे तो फुल स्क्रीन ओपन होगा एंड यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। ओके क्या करना है अभी मेरा क्रोम का जो भी है मैं सर्च करके यहाँ से ऐसे इसको साइड में रख दूंगा, या दैट्स द फ्लोटिंग विंडो, अभी साइड में है, राइट। जो भी वर्क आप कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप इंस्टेंटली क्रोम को ओपन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ऐसे स्लाइड करना है, इंस्टेंटली वो ओपन हो जाएगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। तो रेफरेंस के लिए आप रख सकते हैं ऐसा, तो कोई भी काम कर रहे हैं तो काम करने के बाद इंस्टेंटली ऐसा एक्सेस करेंगे तो वो क्रोम ओपन हो जाएगा। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ यूजिंग फ्लोटिंग विंडो, तो इसको फुल स्क्रीन भी आप रख सकते हैं। ओके तो ये कहाँ से आया ऐसा छोटा वाला साइड बार, वो बाल बार आ रहा है ना, तो उसको सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको स्पेशल फीचर्स में जाना है एंड यहाँ पर आप देखेंगे स्मार्ट साइड बार। तो ये है स्मार्ट साइड बार, बाय डिफॉल्ट ऑफ रहेगा, आप जाके इसको ऑन कीजिएगा एंड बाकी जो है स्मार्ट फंक्शन शो ऐप नेम्स इसको ऑन करके रखिए। ऑटो हाइड है, अगर आप हाइड करना चाहते हैं, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो हाइड करना चाहते हैं हाइड कर सकते हैं टर्न ऑन करके, या फिर आप इसको थोड़ा शो कर सकते हैं, वो साइड में रहेगा। ओके तो अभी हमने हाइड किया है, राइट। तो कहाँ पर भी आप मोबाइल में हो जस्ट ऐसे स्वाइप करना है लेफ्ट एंड आपको वो साइड बार आ जाएगा, स्मार्ट साइड बार। एडिट पर टैप कीजिए, जो भी आप फ्रीक्वेंट ऐप्स मतलब बार बार जो ऐप्स यूज करते हैं उस चीज़ को आप ऐसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं क्विक लॉन्च के लिए। तो देखिए ये सारा चीज़ जो है वो क्विकली आप इंस्टेंटली लॉन्च कर सकते हैं, जैसे मैसेजेस एक्सेस करना है तो इंस्टेंटली मैसेज फ्लोटिंग विंडो में आ गया है, तो इसको रिसाइज भी कर सकते हैं ऐसा छोटा या बड़ा, आप इस चीज़ को लेके साइड में भी रख सकते हैं, फिर से आप अगर देखना चाहते हैं तो साइड में रहेगा, जैसे ऐसे करते हैं तो इंस्टेंटली ओपन हो जाएगा। तो वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, वेरी स्मार्ट तरीके से इन्होंने बनाया है। वैसे ही स्क्रीन ट्रांसलेट है क्रोम में, आप कुछ ब्राउज कर रहे हैं या ट्रांसलेट करना चाहते हैं इंस्टेंटली, तो स्क्रीन ट्रांसलेट भी है, स्क्रीनशॉट है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ये क्विक एक्सेस मेनू भी हम कह सकते हैं। तो ये जो है स्मार्ट साइड बार आपको बहुत काम आएगा, तो इसको भी आप ऑन करके रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, स्मार्ट साइड बार हमने देखा है एंड फ्लेक्सिबल विंडोज को कैसे सेटअप करते हैं वो देखा है। तो वीडियो लंबा होता जाएगा तो ढेर सारे ऐसे प्राइवेसी रिलेटेड के वीडियोज भी बनाए हूँ, तो आप जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन करना ना भूले, ऐसे वीडियो आपको पसंद आता है तो हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।